పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సిక్కు వర్గానికి చెందిన ఇద్దరు యువతులను బలవంతంగా మత మార్పిడి చేసి వివాహం చేసుకున్నారన్న ఆరోపణలతో సిక్కు నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు. బలవంతపు మత మార్పిడి వద్దంటూ నినాదాలు చేశారు. శిరోమణి అకాలీదళ్ నాయకుడు మంజిందర్ సింగ్ తో పాటు మరికొందరు సిక్కు నేతలు శ్రీనగర్ లో నిరసన చేపట్టారు. ఈ వ్యవహారంపై మహిళ వివరణ ఇచ్చారు. వివాహం అనేది తన సొంత నిర్ణయం అన్నారు. అంతేకాకుండా తాను 2012 లోనే సిక్కు మతాన్ని విడిచిపెట్టి ఇస్లాం ను స్వీకరించానని వీడియోలో తెలియజేశారు. कि आप लोग देख रहे हैं, दो तीन दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी दो बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं, जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है. अभी भी दनमीत को हमें दिया जाए. और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पर हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है. दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है. मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ. 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं. उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली. मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं. और विद इन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी. उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था. मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटर्न कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटर्न कीजिए. मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे. और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे. मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ, मैं 29-year-old गर्ल हूँ, मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो. वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटर्न किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया. मैं बार बार